बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हुए बयानात अपनी जगह पर हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत सारे लोगों को, जिनको पहले इजाज़त नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, उनको इजाज़त दी गई है और फिर ये कहा गया है कि बग़ैर कानून कैसे महरूम किया जा सकता है, इलेक्शन लड़ना सबका बुनियादी हक है। कैसे देख रहे हैं ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक सारा मामला और बहुत सारे लोगों को इजाज़त मिल जाना, कितना एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है जब हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल उसका सवाल बहुत मुतालिका है कि इश्तहारी मुजरिमों को नॉमिनेशन रिजेक्ट करना कहाँ पर लिखा है, किस जगह पर लिखा है, कौन सा कानून है? मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी इंतखाबात लड़ रही थी तो 15-20 लीडर उनके जेल में थे, मौलाना कौशल नियाजी, अब्दुल हफीज पीरजादा वगैरह सब, और ये लोगों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था, तो कोई तो गुंजाइश थी ना, कोई तो वजह थी। यहाँ पर बात ये आ रही, बल्कि आज कोर्ट ने बड़े स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है जस्टिस सफर मिनल्ला ने, ये क्या हरकत है कि एक ही पार्टी के खिलाफ काम हो रहा है, एक ही पार्टी के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, जो आपको भी फील होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़ी रिलीफ मिली है पीटीआई को, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत अहम उम्मीदवार नॉमिनेशन उनका रेस्ट हो पाए, सनम जावेद हैं, चले चौधरी परवेज लाइफ कह रहे हैं आप, मेजर ताहिर हैं, शौकत बसरा भी ज़ाहिर दौर में थे, लेकिन इसका असर आगे भी होगा, जो आगे केस आएंगे उन पर भी होगा। ओवरऑल जो आपने कहा इंतखाबात की फिजा, ये फिजा तो बहुत कम नज़र आ रही, बहुत से इलाकों में बैलन रही हैं, पोस्टर नहीं है, पोलिंग स्टेशन बनना शुरू होंगे, पोलिंग कैंप भी नजर नहीं आ रहे हैं, और वो मेरा ख्याल पीटीआई के पास वो उम्मीदवार नहीं जो पहले थे, वो भी हिजरत कर चुके हैं, मेरा अपना अंदाजा। तो देखें, इंतखाबात तो 8 फरवरी को हैं, लोग कहते हैं कि बड़े वोट पड़ेंगे, बहुत वोट पड़ेंगे, कुछ पोल भी आए इन बारे में, लेकिन अभी तक जो सर्दी का मौसम है उसमें मुझे पोलिंग की शक्ल भी सर्द नजर आएगी।